हाय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आप सभी का एक नए ब्लॉग में फिर से स्वागत है। आज के ब्लॉग की बात करूं तो इस समय आज डेट है 2 मार्च, यानी जिस टाइम पे हम ब्लॉग को शूट कर रहा हूं, और इस समय मैं ISBT 43 के बस स्टैंड पे खड़ा हूं। आज के ब्लॉग की बात करूं तो आज मैं हरियाणा की लास्ट विलेज, एक नरनौल नाम जगह है, वहाँ जा रहा हूँ। और इसके लिए मुझे यहाँ से सबसे पहले बस पिक करनी पड़ेगी। और अगर बस की बात करूँ तो मैं चंडीगढ़ में आया हूँ और हरियाणा रोडवेज को ही प्रेफर करने की कोशिश करूँगा, पर उसके लिए मुझे पहले यहाँ से बस लेके ISBT 17 बस स्टैंड जाना पड़ेगा। हमारे सामने से आ रही है हमीरपुर चंडीगढ़ हिंदारा बस, जो कि हमीरपुर से 4:45 मॉर्निंग में चलती है। 25 रुपये की AC टिकट कटा के मैं चल पड़ा हूँ ISBT 43 से लेके ISBT 17 बस स्टैंड तक। जिस बस में मैं बैठा हूँ ये बस लेलैंड की AC बसेज है, और ये बसेज यहाँ पर लोकल रूट के हिसाब से चलती हैं, और इसी में मैं 17 बस स्टैंड तक जर्नी करने वाला हूँ। इस टाइम अपनी लोकेशन की बात करूं तो आज फर्स्ट टाइम ब्लॉगिंग के लिए मैं ISBT 17 सेक्टर पे आया हूं। मेरे जस्ट पीछे 17 सेक्टर रहेगा। इस सेक्टर की अगर मैं खास बात करूं तो यहां से आपको दिल्ली और हरियाणा जाने के लिए बसेस आसानी से मिल जाएंगी। अगर आपने दिल्ली और हरियाणा जाना है तो आप 43 में वेट ना करें, आप इस साइड आ जाएं। मैं अपनी बात करूँ, अभी मैं बोर्ड होने वाला हूँ चंडीगढ़ से नारनौल जाने वाली बस में। अगर नारनौल की बात करूँ तो ये हरियाणा के एक लास्ट छोर पर पड़ता है, और इसको मैंने चुनने का मेन पर्पज़ ये समझा क्योंकि मैंने कवर करना था NH 152D, जो कि एक एक्सप्रेस वे है और काफ़ी सुपर फास्ट नॉन स्टॉप ये वे रहने वाला है। ये मेरे पीछे ही बस रहेगी, हरियाणा रोडवेज की बस हमारी रहने वाली है, और यहाँ पे तो पूरी फ्लीट ही हरियाणा की लगी है। हरियाणा 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 हरियाणा, जो पहली लगी है वो सिरसा जा रही है, हिसार, पेवा, नारनौल, फोर्थ बस है उसमें हम ट्रैवल कर रहे हैं, उसके साथ ही एक सिंडिकेट प्राइवेट बस, बाकी सारी आपको हरियाणा की यहाँ बसेज देखने को मिल जाएंगी। और ये हमारे सामने रही CTU की चंडीगढ़ दिल्ली बस, जो कि अभी 17 सेक्टर पे लगने जा रही है। जर्नी स्टार्ट करते ही मैंने अपनी टिकट कटवा ली है। स्टेशन की बात करूं तो अस्थंद स्टॉप तक आज मैं इस बस में ट्रैवल करने वाला हूं। नारनौल तक जाने का समय नहीं है क्योंकि मैंने शाम के टाइम पे वापस भी आना है, और अभी मैं अस्थंद तक जाऊंगा, जिसकी फिर की बात करूं तो मुझे 200 रुपीज़ देने पड़े हैं। और इस लोकेशन से हमारे जो नज़दीक स्टॉप रहेगा वो जिंद बस स्टैंड भी, वहीं से नज़दीक रहने। स्टाफ की बात करें तो श्रीमान सोनू जी आज इस बस में पायलट रहने वाले हैं, और श्रीमान सुखविंदर जी बस में को पायलट ड्यूटी निभाने वाले हैं, और दोनों भाई साहब आज नारनौल। और यही हरियाणा का जहाज़, यानी हरियाणा का एरोप्लेन हमें 152D एक्सप्रेस वे के ऊपर काफ़ी अच्छी रफ्तार में लेके जाए। समय की बात करें तो एग्जैक्ट 9:05 पे हमारा ISBT 17 बस स्टैंड से डिपार्चर हो गया था। यहाँ से जो चंडीगढ़ की सीमा वो समाप्त हो चुकी है, और आगे पंजाब की बाउंड्री यहाँ से स्टार्ट हो गई।
आप पंजाब में आएँ और आपको ट्रैफिक देखने को ना मिले, ऐसा कभी नहीं हो सकता। पंजाब में एंट्री ही ली थी और ट्रैफिक यहाँ पे इकट्ठी होना स्टार्ट हो गई। प्लाजा की बात करें तो इस समय हम लालडू टोल प्लाज़ा पे पहुंच चुके हैं। इस टोल प्लाजा से मुझे एक बात याद आती है कि आज से लगभग मैं 6 वर्ष पहले यहाँ पे एग्ज़ाम देने आया था, तो मुझे स्टेशन का नहीं पता था, इसलिए मैं इसी टोल प्लाजा पे उतर गया था और यहाँ से हार्डली 3 किलोमीटर पैदल अपना एग्ज़ाम देने के लिए मैं गया। लालडू का टोल हमने अभी क्रॉस ही किया था कि आगे से हमें लेफ्ट डाइवर्जन देखने को मिली, क्योंकि किसान आंदोलन के चलते जो मेन हाईवे है उसको बंद कर दिया गया है और जो गाड़ियाँ या बसेज हैं उनको मिनी रास्तों से गुजारा जा रहा है। यही रास्ता था जिस पे मैं 6 साल पहले पैदल अपना एग्ज़ाम देने के लिए 3 किलोमीटर तक गया था और मुझे 3 आवर्स से 2 आवर्स तक का एस्टिमेशन से टाइम लग गया था, क्योंकि मुझे लोकेशन का उस टाइम कुछ भी पता नहीं था और ना ही उस समय हमारे हाथ में कोई गूगल मैप या एंड्रॉयड फ़ोन। अगर दोस्तों आप इस वीडियो के इस पॉइंट तक पहुंच के जा रहे हैं तो मुझे एक कमेंट करके जाना कि जो किसान आंदोलन चला है उसके बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में लिख के जरूर बता के जाना। बाकी बात करूं तो इस समय बारिश भी हल्की हल्की से लगना स्टार्ट हो गई है और हमारा जहाज एरोप्लेन जो HR का है इसी बारिश में आज ट्रैवल करेगा। इसी के सामने हमें देखने को मिली दिल्ली जम्मू वाया चंडीगढ़ हरियाणा रोडवेज की बस, जो कि बिल्कुल हमारे जैसी ही देखने में। सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि अभी इंस्टेंटली हमारा जो वाइपर है वो भी ख़राब हो गया है। पहले चल रहा था पर कुछ रीज़न के चलते जो वाइपर है वो ख़राब हो गया है और बिना वाइपर के यूज़ किए हमारी बस चल रही है। ड्राइवर जी की बहादुरी को सलाम, इन्होंने बस को एक एवरेज स्पीड पे चलाए रखा कि बारिश में भी कोई दिक्कत का सामना ना करें। हरियाणा रोडवेज का मज़ा लेते लेते इस समय हम पहुंच गए हैं अंबाला के मेन हाईवे पे और इससे पिछले हाईवे की बात करूं तो हम पोंटा साहू वाले हाईवे से आए थे और अभी हम यहां से अंबाला के बस स्टैंड पे जा रहे हैं। एस्टीमेट से हम 11 बजे के आसपास अंबाला बस स्टैंड पर कर जाए। और इसी के साथ हमारे सामने रहा अंबाला सिटी का बस स्टैंड और अगर इस बस स्टैंड की बात करूं तो इसके पीछे ही आपको यहां से रेलवे स्टेशन भी देखने को मिल जाएगा। मैं जिस समय ब्लॉग की शूटिंग कर रहा हूं मेरे जस्ट सामने से ही 2-3 ट्रेन भी जो क्रॉस करके गई थी और उन्हीं के जस्ट सामने ही हमारी लगी है बस। और अगर करूँ टाइम की बात तो एग्जैक्ट बज रहे हैं 11, यानी मेरा एस्टिमेट रहा सही, हम एग्जैक्ट 11 बजे यहाँ से पहुँच गए। बजे के बाद हम चल पड़े हैं अपने 152D एक्सप्रेस वे की साइड को। अभी जिस हाईवे पे हम ट्रैवल कर रहे हैं ये हाईवे है NH 152 और ये हाईवे हमें भेवा जगह है वहाँ तक लेके जाएगा, उसके आगे ही NH 152D 152D एक्सप्रेस वे स्टार्ट हो जाएगा, जिसको देखने के लिए मैं इतनी दूर स्पेशली आया।
एक्सप्रेसवे तो बने हैं, पर इसके लिए आपको भारी भरकम टोल भी देना पड़ेगा और काफ़ी जगह पे हमें टोल भी देखने को मिल सकते हैं। और वैसा ही अब हमारे सामने है, हमें एक टोल प्लाजा देखने को मिल रहा है जो कि आज की जर्नी का सेकंड टोल प्लाजा रहने वाला है। इसके बाद आई थिंक एक या दो टोल प्लाजा हमें और भी देखने को मिल जाएंगे। जो बस की स्पीड है वो 80 तक रिस्ट्रिक्ट की गई है और हमारी बस कम से कम 50 किलोमीटर हो गए हैं ट्रैवल करते अंबाला के बाद, पर एक ही सेम स्पीड पे हमारी बस जो मूव ऑन कर रही है। आप देख ही पाएंगे कि आगे का नज़ारा कितना अच्छा लग रहा है और हमारी बस एक फ्लैट सी स्पीड में जा रही है जो कि काफ़ी प्यारी लग रही है। अभी हम पहुँच चुके हैं पेवा वाले टर्न ओवर पे। अगर पेहोवा की बात करूँ तो जो हिंदू संस्कृति है उससे इस स्टेशन का काफ़ी महत्व है। अगर आप भी यहाँ पे आए होंगे तो जो संस्कृति है उसके बारे में कुछ बता के मुझे भी जाना, मुझे पता है और मैं आपसे कमेंट में पूछने वाला हूँ। और इसी के जस्ट अब आगे ही एक्सप्रेस वे भी स्टार्ट हो गया है और यहीं से अब 152D एक्सप्रेस वे स्टार्ट हो गया है, जिसको कवर करने के लिए मैं हिमाचल से लेके हरियाणा के अंतिम शोर नारनौल तक के लिए ट्रैवल कर रहा हूँ। पीछे 4-लेन रोड था, अब आगे सारा हमें 6-लेन ही देखने को मिलेगा और जो कार्स वगैरह यहाँ पे 140 प्लस की स्पीड को आसानी से टच कर जाती हैं। एक्सप्रेस वे के ऊपर इतना बड़ा टोल प्लाजा बनाया गया है, पर मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद आगे जो है वो रोड ख़त्म कर दिया गया है, आगे रोड नहीं है, पर ऐसा कुछ नहीं है। एस्टीमेट से 12-13 लेन का मुझे ये टोल प्लाजा लग रहा है। तो आएंगे हमारी बस टोल और फिर से एक अच्छी रफ्तार में मूव हो जाएगा। जो मर्जी कह लो पर जो फील एक्सप्रेस वे के ऊपर हरियाणा के जहाज़ में चलने की आ रही है वो फील शायद से मुझे आज तक कभी इससे पहले मिली होगी। कभी आओगे तो इस एक्सप्रेस वे को जरूर ट्राई करके जाना और जो एक्सपीरियंस रहा होगा कमेंट में मुझे बता के जा। ठीक है दोस्तों, करता हूँ मैं भी इस ब्लॉग को यहीं पे ही ख़त्म, क्योंकि असम जिस जगह तक मैंने जाना था वो लोकेशन अब यहाँ से हार्डली 2 किलोमीटर दूर रह गई है। और कैसा लगा होगा वो लोग कमेंट में आके मुझे जरूर बता के जाना। मैं लेता हूँ अपनी HR की बस से अलविदा, करता हूँ जो दो तीन पैसेंजर मेरे से क्लोज थे उनको बाय बाय, मिलूंगा आपसे जल्दी ही नए ब्लॉग में। जय हिंद।